हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति जेटली आज होली स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। इस मौसम में संतरा बाजार में प्रचुर मात्रा में है और संतरा विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। क्यों ना हम संतरा घर लाएं और इसकी मिठाई बनाएं? चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। हमने 5 संतरे लिए हैं, इसे हम छिलकर इसका जूस निकालेंगे। ये 5 संतरों का जूस निकाल लिया है, ये 250 ml है। हम कढ़ाई रखेंगे और इसमें ये जूस डालेंगे। बनाते वक्त हम जूस जरूर टेस्ट कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाए ये ज़्यादा खट्टा तो नहीं है। अगर ज़्यादा खट्टा है तो 2 tablespoons पीसी हुई शुगर डलेगी, नहीं तो 1 tablespoon से हमारा काम चल जाएगा। इसमें मैं 1 tablespoon शुगर डाल रही हूँ, क्योंकि हमारा जूस इतना खट्टा नहीं है, नॉर्मल है। चीनी हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसमें 2 tablespoon कॉर्नफ्लोर के डालेंगे। इसे चलाते हुए पकाएंगे कि गुटलियाँ ना इसमें पड़े। इसे चलाते हुए हमने पका लिया और इसमें 1 pinch हमने फूड कलर डाला है। ये आपके पर है कि आप डालना चाहे तो डालें, नहीं डालना चाहे तो नहीं भी डाल सकती हैं। हमने 4 glass लिए हैं, चारों ग्लासों को ग्रीस कर दिया है। चाहे आप देसी घी से करें, चाहे आप किसी भी ऑयल से कर सकती हैं। और जो हमने पेस्ट बनाया था वो इसमें हल्का गुनगुना ही डालेंगे। चारों ग्लास में मैंने ये पेस्ट डाल दिया है। इसे अब हम सेट होने के लिए 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखेंगे, फिर निकालेंगे। हमने 4 से 5 घंटे फ्रिज में ऑरेंज का बैटर डाल कर रखा था, वो अब सेट हो चुका है, इसे हम निकालेंगे। हल्का सा हम पीछे से टैप करेंगे और ये देखिए, ये सभी हमने ग्लास से निकाल लिए। अब हम इसको स्लाइस में काटेंगे इस तरह। ये देखिए, इस तरह हम सभी काट लेंगे। स्लाइस हमने काट लिए हैं और एक छोड़ दिया हमने सिर्फ, और इनको अब हम डेसिकेटेड नारियल से कोट करेंगे। ये मेरी नई तरह की मिठाई बनकर तैयार है, जिसे ऑरेंज टर्किश डिलाइट कहते हैं। इस मिठाई को आप भी बनाएं, इसे बनाना बहुत ही आसान है, और होली के अवसर पर अपने मेहमानों को खिलाएं। हैप्पी होली। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।